हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर करेंगे, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रैशनल नंबर क्या होते हैं और पूरा नंबर सिस्टम को हमने एक बार देख लिया है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर लाइन, इस प्रकार के जो नंबर्स हैं और इंटीजर्स, इस प्रकार के जितने भी नंबर्स हैं हमने उसे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम रैशनल नंबर्स देखेंगे, उनका कंपैरिजन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, आज हम क्या देखेंगे कि रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है? कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सा जो नंबर होगा रैशनल नंबर में वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है? कौन सा नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस प्रकार से आपको ये रैशनल नंबर्स की कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पेपर में आता है, ठीक है? डायरेक्टली हमारे पेपर में आता है, इसीलिए आपको ये कंपैरिजन करना आना चाहिए, ठीक है? एक तो इस प्रकार का आ सकता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में रैशनल नंबर्स लिखने पड़ते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको रैशनल नंबर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे तो छोटे से लेके बड़े तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा तो बड़े से छोटे तक, ये आपको पता ही होगा, ठीक है? तो इस प्रकार का क्या होता है, हमें एग्जाम में आता है, तो आज हम वही देखेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, ठीक है? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम साइन समझ लेते हैं, हमारे पास साइन कौन कौन सी है। इसको आप अच्छे से पता होगा, ये इक्वल टू का साइन है। इसे क्या कहते हैं? इक्वल टू। अगर दो संख्या बराबर है तो हम क्या करेंगे, उसे इक्वल टू देंगे, ठीक है? इसे इक्वल टू कहते हैं, ये साइन को। इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये साइन है, अगर मैंने ए और बी यहाँ पर इस साइन के लेफ्ट साइड में बी ए लिख दिया और राइट साइड में बी लिख दिया, तो इसका अर्थ होगा कि जो ए है, ठीक है, इसका जो अर्थ है, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका अर्थ क्या होगा इस साइन का, ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है? आपको क्या याद रखना है, ए जो बड़ा है वो बी से। देखिए, जैसे यहाँ पर इस प्रकार का आपने साइन बनाया, तो जिस साइड में ये होगा, ठीक है, इस वाला जो 1 लाइन होगी और जहाँ 2 लाइन होगी, जहाँ 2 लाइन होगी वो ग्रेटर होगा और जहाँ पे 1 लाइन होगी वो छोटा होगा, ठीक है? आपको सिर्फ एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का है, ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर का, इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन कहते हैं, ठीक है? लेस देन कहते हैं। अब ये लेस देन क्यों कहते हैं, देखिए, सबसे पहले मैं वो सिंबल बना लेता हूँ, साइन बना लेता हूँ। अगर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा, तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर 2 रहेगा उस साइड का जो ये लेटर रहेगा, उस साइड का जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम जब इसे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ए इज़ लेस देन बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज़ लेस देन बी, क्योंकि इस कंडीशन में जो बी है हमारा वो ग्रेटर है ए से, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, ए इज़ लेस देन बी। ये जो दो साइन है दोस्तों, ये सिर्फ किस लिए है, कि हमें सिर्फ पढ़ने में आसानी हो इसलिए हो, इसलिए ये जो साइंस है वो बनाई गई है, ठीक है? इसलिए ये साइंस हमने बनाई गई है। ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन का, और ये जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन का साइन है, ठीक है? लेस देन का साइन है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल ले देते हैं, हमारा एग्जांपल है, देखिए, जैसे 5/4 एंड 2/3, 2/3। अब हमें इसमें कंपेयर करना है कि कौन सी जो संख्या वो बड़ी है या कौन सी जो संख्या वो छोटी है। तो आपको इसमें डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए, इसका जो बेस है ये 4 है, इसका जो बेस है वो 3 है, ठीक है? इसका बेस 4 है, इसका बेस 3 है। आप इसे भी कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 3 है। तो हमें सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर हो दोनों का वो सेम करना पड़ेगा, ठीक है? दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम करना पड़ेगा। अगर हम डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि जो बड़ा होगा, ठीक है, जो ऊपर में होगा, तो जिसका संख्या बड़ी होगी, ठीक है, जैसे देखिए, 2 छोटी है 1 से, पर 2 छोटी है 3 से, पर 3 क्या है, बड़ा है 2 से। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जिसकी जो संख्या बड़ी होगी वैसा वो नंबर बड़ा होगा, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम रहा, दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर सेम रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को किस प्रकार सेम करेंगे, देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, ठीक है?
मैं ये आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम दो बेसिक से करेंगे और जो तीन क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 4 और 3 का एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने इसमें ही बताया है। वैसे ये बेसिक से हम कर रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए 4 और 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे। 2 से अगर हमने 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये नहीं होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से और एक बार डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए ये तो ख़त्म हो चुका है, ये हमारा बाकी है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 1 जब तक आता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, और ये जो संख्या होती है इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा पता है आपको, इसका एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो नीचे की जो संख्या होगी वहाँ पर आपको 12 करना है, ठीक है। देखिए इसमें ही आपको यहाँ पर 12 करना है, यहाँ पर 12 करना है। अब 12 कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, और इसे मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पर देखिए 5/4, और ये क्या है 2/3। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए मैंने नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मेरे को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या आ चुका है, ठीक है। देखिए 3 इंटू 5 कितना होता है, ये हमारा 15 होता है, नीचे में 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है, और नीचे में हमारा 12 आ जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम आए हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर जो संख्या बड़ी होगी ऊपर में न्यूमरेटर में वही हमारा बड़ा होगा। अब देखिए 5 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, आप कहेंगे 15 बड़ी है, ठीक है। देखिए जैसे 15 एंड 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 15 बड़ी है और 8 छोटी है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर देखिए ये ग्रेटर देन का साइन है, क्योंकि यहाँ पर जो ए है, ठीक है, यहाँ पर जो ए है वो बड़ा है और यहाँ पर जो बी है वो छोटा है, तो हमें कौन सी साइन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर कौन सी साइन आएंगी, यहाँ पर हमारी ग्रेटर देन की साइन आएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, एंड की जगह पर ये वाला साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब हम इसे भी बेसिक से करेंगे और इसे मैं फिर आपको डायरेक्टली बताऊँ किस प्रकार से करना है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम करेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ज़्यादा हम उसमें ये नहीं करेंगे। -8/9 एंड 4/5, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 9 एंड 5, 3 के टेबल में 3 5, 3 के टेबल में 1 5, 5 के टेबल में 1 एंड 1, ठीक है। ये जो संख्या होगी इसका इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हमारा एलसीएम होगा, 9 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 3 3 9, 9 इंटू 5 कितना होता है, हमारा 45 होता है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है, यहाँ पर 45 आ चुका है। अब ऊपर में देखिए 8/9 है, इसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये छोटी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है यहाँ पर बड़ी होगी, पर मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं तो पेपर में आपको अगर आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन का साइन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ये वाला साइन लगा देंगे, पर मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें 45 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर मुझे 45 करना है तो मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ऊपर भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये -40 हो जाएगा, और ये 45, और ये देखिए 36, और ये 45। अब आप कहेंगे कि मैं 36 को यहाँ पर छोटी संख्या है हमारी, ठीक है, 36 आप कहेंगे मेरी छोटी संख्या है,
ठीक है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव में जो टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव से छोटी होती है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म से छोटी होती है। जो हमारे नेगेटिव के नंबर्स होते हैं, जो माइनस साइन वाले नंबर्स होते हैं, वो हमेशा प्लस साइन के जो नंबर्स होते हैं या जिसमें नो साइन होती है, वो सबसे बड़ी संख्या होती है निगेटिव नंबर से, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, वन भी इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा यहाँ पर, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर जैसे देखिए 40/45, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर लेस देन की साइन लगा देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है -40 वो 36 से हमेशा छोटा ही रहेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर लेस देन की साइन आ जाएगी। तो यहाँ पर एंड की जगह पर क्या लिखेंगे हम, लेस देन की साइन लिखेंगे। अब इसे मैं डायरेक्टली करूँगा क्योंकि एलसीएम की मेथड आपको समझ गया होगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टली करूँगा किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, -5/9 एंड 5/3, ठीक है। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 3 9 के टेबल में जाता है, ठीक है, तो 5/9 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एंड की जगह पर अभी छोड़ देता हूँ, देखिए 5/3 जो है, 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है, तो ये 3 इसका एलसीएम तो हमारा 9 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 9 करना है इस जगह पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए -5/9, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा और नीचे में हमारा 9 रहेगा। अब देखिए आपको पता है कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे -5/9 और -15/9, तो आपने नंबर लाइन देखा है उसमें 0, तो पहले -5 आएगा और उसके बाद में हमारा -15 आएगा, ठीक है, -5 पहले आएगा फिर -15 आएगा। तो जो संख्या जिसके राइट साइड में होती है, जैसे 15 -15 के राइट साइड में -5 है, तो वो जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है जो राइट साइड में होती है वो हमेशा बड़ी होती है, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो -5/9 है वो बड़ी होगा और जो -15/9 है वो छोटा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन की साइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, किसकी साइन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन की साइन यहाँ पर लगानी पड़ेगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ग्रेटर देन का साइन, इस क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रेटर देन का साइन। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 3/5 एंड 6/10। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखिए 5 के टेबल में 10 आता है, तो इसका एलसीएम कितना लेना पड़ेगा हमें, डायरेक्टली 10 लेना पड़ेगा। अब 10 लेना है, जैसे देखिए 3/5 और 6/10, अब मुझे यहाँ पर 10 करना है, अगर मैं 10 करूँगा तो इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर 10 करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 3 कितना होता है, ये 6 होता है, और नीचे में 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6/10 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस की साइन नहीं है, कुछ साइन नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये पॉजिटिव का 6 है और ये भी पॉजिटिव का 6 है, उसका डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है। जब कभी इस तरह की कंडीशन आए जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो दोनों संख्याओं का, तो वहाँ पर आपको कौन सी साइन लगानी है, वहाँ पर आपको हमेशा इक्वल टू की साइन लगानी है, ठीक है, वहाँ पर आपको कौन सी साइन लगानी है, वहाँ पर आपको इक्वल टू की साइन लगानी है, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, इक्वल टू का साइन, ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, इक्वल टू का साइन। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है, हमारे लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे, इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 8/7 एंड 0, 8/7 और 0 है, जैसे देखिए 8/7 और 0 है, तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव की संख्या होती है, जो पॉजिटिव की संख्या होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है, पॉजिटिव की जो संख्या होती है, जो राइट हैंड में जो संख्या होती है, और जो निगेटिव की संख्या होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है,
तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली अंदाजा आना चाहिए कि ये तो पॉजिटिव संख्या है और ये तो जीरो है, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी 8/7 वो हमेशा क्या हो जाएगी, हमारी जीरो से बड़ी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी जीरो से हमेशा बड़ी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिक एक दिमाग लगाना था कि 8/7 जो होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। 8/7 क्या होगा, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अब ये जो संख्या है ये बड़ी है और ये जो संख्या है वो छोटी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा जाए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ग्रेटर देन का साइन लगा आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा नहीं है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा। इसका जो आंसर था ये क्या, हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ मैं साइन में थोड़ा सा चेंज करूँगा। आप इसे 6 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 8/7 था तो क्या कर देता मैं, यहाँ पर -8/7 यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं -8/7 कर देता हूँ, -8/7 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें इसमें कंपेरिजन करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये -8/7 है, तो ये क्या है, माइनस की संख्या है, हमेशा क्या हो जाएगी, ये माइनस की संख्या हो जाएगी। और जो माइनस की संख्या होती है, देखिए यहाँ पर 8/7 आ जाएगा, -8/7, और यहाँ पर आप मान लीजिए कि 8/7 था, ये -8/7 और ये 0 और ये 8/7, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अब यहाँ पर माइनस की साइन है, माइनस की साइन हमेशा जीरो से छोटी होती है, क्या होती है, माइनस की साइन हमेशा जीरो से छोटी होती है। तो ये इस प्रकार हम लिख देते हैं -8/7 और यहाँ जीरो लिख देते हैं। हमें पता है कि जो जीरो से हमेशा माइनस की साइन छोटी होती है, तो यहाँ पर ये जो संख्या होगी ये छोटी होगी और ये जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, लेस देन का साइन लगाएंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, लेस देन का साइन है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।